अगर मैं जहाँ तक मैं ठीक हूँ तो आपके अधीन क्षेत्र के अंदर तीन बड़ी पाल आती है, रावत पाल, डागर पाल और सहरावत पाल। सहरावत पाल से आप खुद हैं जी। इस पाल गोत्र वाली राजनीति के अंदर जी आप कितना अपने आप को सक्षम मानती हैं कि आपको मौका मिल सकता है, आगे बढ़ सकती हैं? अभी अथीन की बात में फिर आपसे दोबारा करता हूँ जी। कई बार मैंने भी देखा अथीन के गांव में मठेपुर वाली साइड की तरफ बढ़ जाते हैं, या क्योंकि अथीन के अंदर में मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो भी बड़ी संख्या में है जी। मैंने काफ़ी हद तक देखा है कि खासकर महिलाओं को सुबह और शाम दोनों टाइम सिर पर एक के ऊपर एक, दो दो तीन तीन मटके लेकर के पानी लेने जाना, ये समस्या कुछ कम हुई है, वाकई उतनी है आज भी क्या? नहीं, सरकार ने हर घर तक नल, नल से स्वच्छ जल पहुंचाने में भरपूर उनका प्रयास है, लेकिन कुछ रहा है कि अभी तक वो अधवर में हम बोल सकते हैं कि पाइपलाइन में है अभी वो वर्क, तो कुछ कमियां भी रह गई हैं। और ये बहुत दुख की बात है जब मैं महिलाओं को आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी उनको मटके का वजन लेकर इधर उधर भटकते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। हथीन क्षेत्र से इवन कोई भी महिला मुख्य पदों पर नहीं रही है, तो ऐसे में मेरा आना महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है कि वो चाहती हैं कि आप भी मैदान में आएं। आपकी पार्टी को श्रेय नारी वंदन अधिनियम बोले गया है जी, क्या लगता है आपको पार्टी कंसीडर करेगी और क्या आपको लगता है कि आपकी तरफ पार्टी का ध्यान हो सकता है चुनाव लड़ने की तरफ? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाई भतीजावाद से बहुत ऊपर उठ के सोचती है। वो सिर्फ ये देखती है कि एक कार्यकर्ता कितना जनता के बीच रहा, कितना उसने पार्टी का सर्वे किया। अगर मैं अपने आप को ये देखूं तो मैं इन सभी चीजों पर खड़ी उतरती हूँ। दोस्तों नमस्कार। एक दौर था जब खासकर भारत के अंदर, क्योंकि भारत का देवभूमि कहा जाता है, और भारत के अंदर एक बात चलती थी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता भी निवास करते हैं। लेकिन इस सबके बावजूद भी नारी को वो स्थान नहीं मिल पाया जो उसके लिए अपेक्षित था। समय बदला, दौर बदला और युग बदला, और उसके साथ एक समय वो आता गया जबकि महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर अपना बेहतर प्रदर्शन करती चली गईं। आज के दौर में अगर आप चलें तो सेना से लेकर के और पुलिस तक लें, और इसके अलावा ट्रैफिक सुविधाएं, चाहे वो बस हो चाहे वो जहाज उड़ाने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आपको महिलाएं काम करती दिखेंगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी राजनीति के अंदर जो मिलना चाहिए था, राजनीति के अंदर महिलाओं का जो मुकाम होना चाहिए था, भले ही वो ग्रामीण और शहरी सरकारों में, यानी कि लोकल बॉडीज के अंदर और पंचायतों के अंदर तो महिलाओं को उनका हक मिल गया, लेकिन संसद और विधानसभाओं के अंदर, यानी कि जहां बैठ करके महिलाएं कानून बना करके भी देश के लिए कुछ कर सकती हैं, वो मुकाम अभी अधूरा था। पिछली लोकसभा के अंदर, यानी कि जो 17वीं लोकसभा थी, उसके अंतिम सत्र में देश के लिए, देश की लोकसभा ने नारी वंदन अधिनियम पास किया। तय हो गया कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, यानी कि राजनीति के अंदर 33% सीटें, चाहे वो विधानसभा की हो, लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, उन पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। बिल तो पास हो गया, लेकिन वो बिल पास होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो 2029 के चुनाव जब होंगे उस चुनाव तक वो अमल में आएगा, यानी कि वो अपना प्रारूप पूरा लेगा। लेकिन जब बिल पास हो गया तो उसके बाद महिलाओं की राजनीति के अंदर भागीदारी बढ़ने का एक संकेत तो सामने आना शुरू हुआ। लोकसभा के चुनाव देश में हो चुके हैं, 18वीं लोकसभा बन चुकी है, सरकार बन चुकी है। अब आने वाले दिनों में, यानी कि अक्टूबर नवंबर के अंदर देश के तीन प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके अंदर हरियाणा प्रमुख है, चुनाव तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी होंगे। और इन चुनाव को लेकर के महिलाओं की क्या भूमिका हो, महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिले, इस सब को लेकर के राजनीतिक दलों में भी मंथन है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की एक रिपोर्ट आ रही थी जिसके अंदर यह चल रहा था कि 90 सदस्यीय विधानसभा जो हरियाणा की है, अगर 33% से जाए तो 30 सीट बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि 15 सीटों पर हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में महिलाओं को भागीदारी दी जाए। महिलाओं को राजनीति में क्या मिलेगा, राजनीति में कितना वो आगे बढ़ पाएंगी, इन सब को कुछ लेकर के आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा में सह कोषाध्यक्ष हैं, इससे पहले पलवल जिले की महिला जिलाध्यक्ष रही हैं, रश्मि सहरावत। रश्मि जी, आपका स्वागत है देश रोजाना में जी।
रश्मि सहरावत राजनीति में आज हैं जो उन्होंने मुकाम लिया है, इससे पहले वो शिक्षाविद हैं, यानी कि शिक्षा के पेशे में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर चुकी हैं, महिलाओं की समस्याओं को लेकर के आवाज भी उठाती रही हैं। तो रश्मि जी, मैं आपको बता रहा था कि नारी वंदन अधिनियम पास होने के बाद भले ही वो जो उसको पूरा साकार मिलेगा वो तो अभी समय है जी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बड़ी चर्चाएं हैं कि महिलाओं को हक मिलेगा, तो आपको क्या लगता है और आप उसमें कहां देखती हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। खासकर हम अभी देखें कि महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं लागू हुई हैं पहले की सरकारों में कभी भी नहीं हुई, चाहे हम SHGs को बढ़ाने की बात करें, चाहे हम जॉब नौकरी पेशे वाली महिलाओं के बारे में बात करें, सभी को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, और उसी का नतीजा है कि आज हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। हर क्षेत्र का तो मैंने पहले भी कहा जी, राजनीति के अंदर जी अगर मैं खासकर करूं, और आप लगभग 5 साल से मैं देख रहा हूं कि सक्रिय राजनीति में है जी, अगर हम ये देखें कि राजनीति के अंदर खासकर, हालांकि हर जगह आती होंगी, राजनीति के अंदर महिलाओं के सामने मुख्य रूप से समस्याएं क्या पेश सामने आती हैं जी? पलवल जिला, जिसमें हथीन विधानसभा, एक ऐसी विधानसभा जिसको हरियाणा की मैं अगर बात कहूं तो सबसे पिछड़ी विधानसभाओं में हम देखते हैं। कंप्लीट ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र भी ऐसा है कि वहां पे महिलाओं को जॉब करने की भी मतलब अनुमति इतनी खुले लेवल पे नहीं है कि हाँ उन करने दी जाए, लेकिन उस क्षेत्र से महिला को राजनीति में आगे आना एक खुशी की बात भी है, और एक थोड़ा सा एक ये भी है कि समाज इसको एक किस नजरिए से देख रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राजनीति को हर तरीके से लोग देखते हैं, अगर पढ़ी लिखी महिलाएं इसमें नहीं आएंगी तो कैसे महिलाओं की आवाज कैसे उठा पाएंगे, इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, जिससे हम प्रदेश और देश में जितनी भी योजना है उनको लागू करा सकें, उनको महिलाओं तक पहुंचा सकें। और लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन मार्क ये आता है क्या महिला ये कर पाएंगी, लेकिन हमें अपने काम से ये प्रूफ करना पड़ेगा कि महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं है, और आज हम 21वीं सदी की महिलाएं हैं, आत्मनिर्भर महिलाएं हैं। आप कंप्लीट ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हैं जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपने काम किया, अध्यापक, शायद अध्यापिका रही हैं जी आप। जी, शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी वैसे? जी मैं सनातन हूँ, ग्रेजुएट कर रखा है मैंने। स्नातक जी, है हाँ जी। ग्रेजुएट है कौन से स्ट्रीम से? बेसिक स्ट्रीम जो बीए। हाँ जी, बीए है, स्नातक है, यानी कि कला संकाय से। जब आप शिक्षा वाले क्षेत्र में गई, मैं हथीन पर और राजनीति बाद में आऊंगा जी, शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद में खासकर ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि प्राइमरी एजुकेशन तक तो बच्चों को भेज देते थे जी, बच्चियों को भी भेजा जाता था। अब बदलते समय में, इस समय अगर देखें तो अभी आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, हरियाणा में आपकी सरकार 10 साल से है, केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में हायर एजुकेशन के लिए स्पेशल वीमेंस कॉलेज जो खोलने की शुरुआत हुई, शुरुआत तो पहले भी थी, उसको जो बढ़ावा दिया हरियाणा सरकार में, चाहे वो मनोहर लाल सरकार थी और चाहे नायब सैनी सरकार है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि क्या लड़कियों को शिक्षा लेने के लिए परिवार के लोग जो अनुमति मिलनी चाहिए, आज वो है या उसमें अभी भी कोई संकीर्णता है? शिक्षा के क्षेत्र में जब से हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा लगा है, तब से तो हर कोई ये चाहता है कि हमारी बेटी पढ़े, पढ़ लिख के आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहां पे कॉलेज भी हैं, स्कूल भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत है, या तो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है। अथीन में महिला कॉलेज है, मिनकोला में महिला कॉलेज है। जी 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 जी, लेकिन वो इस वजह से पीछे रह जाती है कि साधन अभी तक शहर तक और गांव तक जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए नहीं है। मैं काफी महिलाओं से मिली हूं तो उनका यही कहना है कि किसी ने 12th पढ़ा के अपनी बेटी को बिठा लिया है, 10th मतलब जितना स्कूल गांव में स्कूलिंग तक यानी कि आराम से हो जाता है, उससे आगे वो भेजने को कि कैसे भेजें, हमारे पास बस की सुविधा नहीं है, बस नहीं आती है। तो ज्यादातर बेटियों का पढ़ाई छोड़ने का कारण जो है, एक कारण ये भी है कि उनके पास साधन नहीं है जो गवर्नमेंट देनी चाहिए। आपकी सरकार में खासकर महिलाओं के लिए पिंक जो बस शुरू की गई, तो उसका फायदा नहीं मिला लोगों को क्या? नहीं, हर गांव तक अभी नहीं पहुंची है वो बस, मेन मेन गांव से मान लो हाईवे से निकल गई है। अब जितने गांव उस रोड पे पढ़ते हैं उनके बच्चे तो वहां आराम से चले जाते हैं, लेकिन जो अंदर गांव मान लो 4-5 किलोमीटर अंदर गांव है, तो वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पा रही है बच्चियों के लिए। ये तो हुआ शिक्षा का। अभी हम बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा हथीन क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, प्लस मैंने दूसरा आपको बताया कि महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष आप रही हैं, यानी कि राजनीति में सक्रिय रूप से आप काम कर रही हैं। अगर हथीन विधानसभा क्षेत्र की मैं आपसे बात करूं जी,
तो हथीन कंप्लीट रूरल इलाका है, पाल गोत्र इस सब की राजनीति वहाँ चलती है जी। अगर मैं जहाँ तक मैं ठीक हूँ तो आपके हथीन क्षेत्र के अंदर तीन बड़ी पाल आती हैं, रावत पाल, डागर पाल और सहरावत पाल। सहरावत पाल से आप खुद हैं जी। इस पाल गोत्र वाली राजनीति के अंदर जी आप कितना अपने आप को सक्षम मानती हैं कि आपको मौका मिल सकता है, आगे बढ़ सकती हैं? सबसे पहले तो मैं हथीन क्षेत्र की सर्व समाज की बेटी बनकर उनके बीच आना चाहती हूँ। मैं किसी एक जाति समुदाय के लिए काम नहीं करूँगी, सभी के लिए मैं काम करूँगी और सभी के साथ, सभी के आगे लेके, सभी को साथ लेके, सभी के साथ आगे बढ़ के मैं कार्य करूँगी। तो किसी एक समाज की तो ये कहना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर आप देखते हैं पिछले समय में, ये बात ठीक है बिल्कुल कि खासकर राजनीति हो, समाज नीति हो या कोई भी उत्कृष्ट बड़ा कार्य जो भी हो जी, उसके अंदर पाल गोत्र जाति लिंग वर्ण भेद सब ये पीछे रह जाते हैं और काम करने वाले लोग आगे आते हैं, उनको आना भी चाहिए जी। अभी आप बता रहे थे कि जैसे मैंने शिक्षा वाली बात की, अगर आप हथीन जैसे क्षेत्र में आप देखें जो आपका एरिया है या तमाम ग्रामीण क्षेत्र जो है जी, महिलाओं के लिए क्या कुछ तो इन सरकारों में हुआ और क्या कुछ, जैसे खुले में शौच बंद वाली बात आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात आई, या घरों के अंदर खासकर जो महिलाओं के चूके चौके चूल्हे में हुआ तो पेयजल की समस्या, इन सब को लेकर के आपने क्या कितना नजदीक से देखा कि क्या कुछ समस्याएं हैं, कितने निदान हुआ उनमें या कितना और काम होना चाहिए? अभी जहां तक मैंने देखा है, सरकार ने योजनाएं बहुत, खासकर मैंने पहले भी बताया कि महिलाओं के लिए तो बहुत ही योजनाएं आई हैं, चाहे वो हमारी उज्ज्वला योजना हो, शौचालय वाली योजना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में महिलाएं वंचित रह गई हैं कि उन्हें पता नहीं है कि योजनाएं निकली हैं। मैं जब उनसे मिलती हूँ, उन्हें बताती हूँ, तो मुझे यही सुनने को मिलता है कि योजनाएं तो बहुत आई हैं लेकिन हमें जानकारी के अभाव में हम उनका लाभ नहीं ले पाए। तो ये भी कारण रहा है कि जितना उनको बताएंगे, उनके बीच जाएंगे, और जब से मैं उनके बीच जाने लगी हूँ, सैकड़ों हजारों महिलाओं को मैंने लाभ दिलवाया है और उनको बताया है कि इस तरीके से आप फार्म भरें, इस तरीके से आपको लाभ मिलेगा। तो ये भी एक बात है कि जब तक उन्हें जानकारी नहीं होगी तो वो लाभ भी नहीं ले पाएंगे उस चीज का। इसलिए महिलाओं का होना बहुत जरूरी है राजनीति में, जैसे मैं उस बात को दोबारा लाना चाहूंगी, इस वजह से क्योंकि महिला महिला के सामने खुलकर अपनी समस्या बता पाती है। और हमारी हरियाणा सरकार ने तो महिलाओं की समस्याओं के लिए, आपने देखा है कि महिला थाने भी इसी तर्ज पर खुलवाए हैं कि महिला अपनी मन की बात वहां पे खुलकर बता सके, अगर कोई क्राइम होता है तो बात सामने ला सके। जी 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 जी। अभी हथीन की बात में फिर आपसे दोबारा करता हूँ जी। कई बार मैंने भी देखा हथीन के गाँव है मठेपुर वाली साइड की तरफ जाते हैं, या क्योंकि हथीन के अंदर मेव मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो भी बड़ी संख्या में है, मैंने काफ़ी हद तक देखा है कि खासकर महिलाओं को सुबह और शाम दोनों टाइम सिर पर एक के ऊपर एक, दो दो तीन तीन मटके लेकर के पानी लेने जाना, ये समस्या कुछ कम हुई है, वाकई उतनी है आज भी क्या? नहीं, सरकार ने हर घर तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाने में भरपूर उनका प्रयास है, लेकिन कुछ रहा है कि अभी तक वो अधवर में हम बोल सकते हैं कि पाइपलाइन में है अभी वो वर्क, तो कुछ कमियां भी रह गई हैं। और ये बहुत दुख की बात है जब मैं महिलाओं को आज भी आजादी के 75 साल बाद भी उनको मटके का वजन लेकर इधर उधर भटकते हुए देखती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है कि जो सबसे पहले ये काम होना चाहिए, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले महिलाओं के सर से बोझ उतारने का काम करूंगी। अगर जनता तो आपकी सरकार की पॉलिसी है हर घर नल, तो इसको और विस्तृत रूप दिया जाए, हर जगह पहुंचे और उस समस्या का समाधान हो, ये कहेंगे जी जी। अच्छा रश्मि जी, मैंने आपसे बात की थी राजनीति की और आपका भी जहां तक मुझे लग रहा है इंटरेस्ट है कि अगर आपको भी मौका मिले, पार्टी को भी मौका दे तो आप भी शायद, मुझे लगता है कि जहां तक मैंने आपके बारे में सुना है, आपसे बात भी हो रही है, तैयारी आप कर रहे हैं। अंतिम सवाल आते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जाते होंगे गाँवों में, चाहे वो महिला मोर्चा के अध्यक्ष थी, आपके दौर में लोकसभा का चुनाव भी हुआ जी, तो महिलाएं क्या आपको उत्साहित करती हैं या वो आपका हौसला बढ़ाती हैं कि आपको आगे आना चाहिए? बिल्कुल, आज तक जैसे मैंने बताया कि हथीन क्षेत्र से इवन कोई भी महिला मुख्य पदों पर नहीं रही है, तो ऐसे में मेरा आना महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है कि वो चाहती हैं कि आप भी मैदान में आए, और महिला होने के नाते भी, जिससे कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं और उनकी समस्याओं को मैं खुले दिल से वो मुझे बता पाएं और मैं सुन पाऊं,
तो इसलिए महिलाओं का मतलब बोलती होंगी दीदी आप राजनीति कर लो इलेक्शन लड़ लो एमएलए का अच्छा हो जाएगा ऐसा कोई बात नहीं। उन्होंने ही सही मायने में अगर मैं बताऊं तो मेरे मन में जो इच्छा जगाई है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरी बहनों को जाता है। उन्होंने मेरे मन में इच्छा जगाई है, बोला बहन जी आओ आप भी, हम तैयार हैं, हमारा भी कोई ऐसा सुनने वाला होना चाहिए जो महिला हम महिला होने के नाते उनको अपनी बात बता सके। अच्छा आप महिला भी हैं और यूथ भी हैं, अभी युवा भी हैं जी, और 18 साल की उम्र के वोट का अधिकार मिल चुका है जी। खासकर जो यूथ फीमेल है और फिर उसके बाद में महिलाएं सभी आ गई जी, आपके पास उनके लिए कुछ प्लानिंग कुछ योजनाएं भी हैं कि अगर कुछ मौका मिलता है तो मैं ये और कर दूं? अब ऐसे अगर देखूं तो खासकर आज भी जी फीमेल्स जो है सेनेटरी पैड को लेकर बड़ी समस्या आज तक भी, और उसमें लेकर के लोगों के बीच में कई प्रकार की रूढ़ियां भी हैं, इस प्रकार की भावना भी, इनको लेकर के भी क्योंकि जरूरी है। आज हम अगर हर मसले पर बात नहीं करेंगे तो फिर अधूरी रह जाती है। बिल्कुल, एट प्रेजेंट अगर हम हथीन में फैसिलिटी की बात करें तो ज्यादा कुछ अभी तक नहीं है। अगर हम पिछले 15 सालों की तरफ देखें तो पहले जहां था आज भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है तो उसको कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मानेंगे हम। आज के दौर में जो एक होनी चाहिए, हर गांव में जो फैसिलिटी होनी चाहिए, हर महिला को हर युवा को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, आज भी वो हम कह सकते हैं कि वो अधूरी है, मतलब इतना नहीं है। तो जैसे आपने बताया सैनिटरी पैड का, महिलाओं को स्वच्छ के बारे में भी जागरूक करना बहुत जरूरी है। मैं तो जब भी महिलाओं से मिलती हूँ तो मैं मेरे साथ तो मेरी टीम में से मैं हमेशा किसी ना किसी ऐसे या वकील को, जो लेडीज वकील होती है उनको साथ लेके जाती हूँ, या कोई ऐसी महिला होती है जो डॉक्टर लाइन से होती है। हाँ। जी, तो सर्वाइकल कैंसर का मुझे पहले से इसके बारे में बहुत इंटरेस्ट था कि हमारे क्षेत्र में महिलाओं को इस बारे में इतना नहीं पता रहता है, तो जब मैं उनको बताती हूँ तो मैंने काफी महिलाओं की इसमें मदद की है कि उनको सिम्टम हो रहे थे तो इससे पहले हम उन तक पहुंचे तो उनको बताया, हमारे साथ जो नर्स रहती थी उन्होंने बताया कि ये चीजें ऐसे हैं, तो इस चीज से भी बहुत फायदा हुआ है। तो महिलाओं को अब महिला ही महिला की दुख समझ सकती है, खाली राजनीति नहीं, जब तक उनकी जो रूरल जो बेस समस्याएं हैं या उनकी जो मतलब उनको जिस प्रकार की उनको शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे कि वो, अब खासकर अगर हम देखें तो जो मैंने आपको बताया कि हथीन का एरिया और उसके अंदर जो मेन मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया जो वहां पर है, खासकर फीमेल्स के साथ में छोटी उम्र में शादी हो जाना और उसके बाद में समस्याएं सामने आती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन का कम होना, इस टाइप की बातें भी, तो ये भी आपके एजेंडे में सब कुछ रहना चाहिए ना, रहेगा क्या? बिल्कुल, मैंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत एक नेता बन के नहीं, मैंने एक समाज सेवी के तौर पे मैंने काम किया, और समाज सेवी जो जो करता है एक समाज को अच्छा बनाने के लिए वो मैं बिल्कुल कर रही हूँ। महिलाओं को या स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना हो, उनकी बीमारियों के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, सब मतलब जब समुचित विकास होगा, समुचित दिमाग दिमाग लोगों का उनका जब पूरा तरह काम करेगा जी, ये सब कुछ भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, तो ये सारी चीजें हम एक साथ लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज पे हम फोकस देते हैं कि सिर्फ हमें वोट ही लेनी है, बिल्कुल नहीं। वोट वो अपनी मर्जी से किसी को भी दें, लेकिन ये है कि जितना ज्यादा मैं उनको सरकार की योजना पहुंचा सकूं और उनके बारे में जो उनके लिए जीवन को सुगम बना सकें वो जानकारी मैं उनको पहुंचा सकूं, यही मेरा उद्देश्य रहता है। चलिए अंतिम सवाल पे आते हैं जी। राजनीति आप कर रही हैं जी, भारतीय जनता पार्टी में आप हैं जी, आपकी पार्टी को श्रेय नारी वंदन अधिनियम वो लेके आए जी, क्या लगता है आपको पार्टी कंसिडर करेगी और क्या आपको लगता है कि आप की तरफ पार्टी का ध्यान हो सकता है चुनाव लड़वाने की तरफ? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाई भतीजावाद से बहुत ऊपर उठ के सोचती है, वो सिर्फ ये देखती है कि एक कार्यकर्ता कितना जनता के बीच रहा, कितना उसने पार्टी का सर्वे किया। अगर मैं अपने आप को ये देखूं तो मैं इन सभी चीजों पर खरी उतरती हूँ। ठीक, तो ये है रश्मि सहरावत, जिनको उम्मीद है, अरमान ये है कि अगर मौका मिले तो न केवल राजनीति ना हो बल्कि जो महिलाओं की मूल समस्याएं हैं, चाहे उनकी हेल्थ को लेकर के हैं, उनके एजुकेशन को लेकर के हैं, इन सब पर पूरा काम होना चाहिए। घर के अंदर जो महिलाओं को समस्या पेश आती है, खासकर पानी की या खुले में शौच वाली, हालांकि सरकारों ने काम किया लेकिन फिर भी अभी कुछ होना बाकी है। सोच यही है कि अगर मौका मिलता तो ये सब करेंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको आपकी पार्टी से भी और जनता से मौका मिले। इसी प्रकार की शख्सियत से आगे भी आपको मिलवाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।